हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग उद्योग ये पब्लिक सेक्टर उसको सरकार बेचकर अपना खजाना व्यक्तिगत खजाना भर रही है। नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव काफी कड़ी हो चुका है, सभी जगह जितने भी उम्मीदवार हैं सब नामांकन कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के महासचिव जो यहां के और वर्तमान में विधायक भी रहे हैं श्री आलोक कुमार मेहता जी, जिनका आज नामांकन था, नामांकन हो गया है और यहां पे एक सम्मान समारोह भी किया गया था। तो आइए हम आलोक मेहता जी से मिलकर बात करते हैं। ये मेहता जी हैं सर, बूथ पर घूमने के लिए कमेटी बनाते यहाँ पे। मेहता जी है जो एक बेहतरीन विधायक, क्या कहना चाहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव के बारे में? यह विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जी, और बिहार और देश की किस्मत बदलने वाला है। विगत वर्षों में जिन लोगों ने बिहार और सत्ता पर कब्जा कर लिया, उन लोगों ने धोखा देकर वोट लिया। अच्छा, जनता को जिन वादों के आधार पर वोट लिया, उन सारे वादों को धत्ता बताकर और कुछ दूसरा बाइस्कोप दिखाने का काम किया, तो जनता भी उनको बाइस्कोप इस बार दिखाने की तैयारी में है। और जनता इतने दिनों में समझ गई है कि रोजगार कितना महत्वपूर्ण है। तो बॉर्डर का सीन देखने के बजाय देश की भूख और आम जनता हाथों को काम, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को जनता खुद देख रही है, नेताओं से जनता दो कदम आगे। जनता इस बार गोलबंद है और एनडीए की सरकार को जमीन पर उतारने का पूरा इंतजाम जनता ने कर लिया है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम लोग मैंने जनता के की भावना के प्रकटीकरण का एक साधन है। तो हम लोग की पार्टी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है। महागठबंधन वाम दलों को अपने साथ इस बार कांग्रेस और वाम दलों का घटक भी महागठबंधन में शामिल है, तो बड़ी ताकतें शामिल हैं। इसलिए उन लोगों को जो जिन लोगों ने पिछले 7 वर्षों में बिहार और देश को लूटा है, भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाया है और बिहार और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है, तो उन तमाम शक्तियों को इस बार ये महागठबंधन के माध्यम से जनता इस बार अपदस्त करेगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि महागठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में एक नए व्यवस्था का आगाज किया जाएगा, नए बिहार, बेहतर बिहार और आगे बढ़ते हुए बिहार। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार का चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपका? इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे है वो बेरोजगारी। बिहार के लोगों, बिहार में बेरोजगारी का स्तर 46.6% है, 6 या 7% कुछ भी। यह देश नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार के अंदर है। आज का आंकड़ा आप देखें तो दुनिया में इतनी बेरोजगारी क्या है, तो यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की वजह से पलायन करते रहे। इस बात से की सरकार इनकार करती रही है, जिन लोगों ने अपनी सरकार को बढ़ता बिहार, उड़ता बिहार बताया, उन सब लोगों ने यही बात कहा कि यहाँ पलायन नहीं होता, पलायन नहीं होता। लेकिन पलायन का हद ये है कि पिछले दिनों जब कोरोना काल आया, जो कोरोना काल अभी चल ही रहा है, उस काल में जब लोग घर को वापस आने लगे तो मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको आने से रोका गया और आने वाले लोगों पर चोर और डकैत होने का आरोप लगाया गया, और इस तरह से बिहार के मजदूरों को अपमानित करने का काम जिस सरकार ने किया है, तो मजदूर भी कागज़ में नोट कर रखे हुए कि इस सरकार ने क्या किया उनके साथ। तो पलायन और उसकी बेरोजगारी की वजह से पलायन, तो फिर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, और उद्योग नहीं लगे यहाँ, तो उद्योग नहीं लगे तो बेरोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरियाँ खाली पड़ी है और खाली रखकर उसे आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके जैसे तैसे भरने की कोशिश हो रही है। बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये निजीकरण जो है वह भी आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, तो जैसे अपने बाप दादे की संपत्ति को कोई बेच कर खाता है, वही काम इस सरकार ने, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो करने में लगी हुई है। जनता की पैसा, जनता का पैसा
जनता के पैसे से बना हुआ रेलवे, जनता के पैसा से बना हुआ नालको मालको जैसे उद्योग ये पब्लिक सेक्टर है, उसको सरकार बेचकर अपना खजाना व्यक्तिगत खजाना भर रही है। शराबबंदी हुई, शराब बिक रहे हैं, तो ये पैरेलल समानांतर व्यवस्था जो है शराब बिक्री का, उसका पैसा कहाँ जाता है ये सवाल जनता पूछ रही है। तो ये समानांतर आर्थिक व्यवस्था बिहार में तैयार कर दिया गया और जनता को मूर्ख समझा गया कि जनता इन बातों को नहीं समझेगी, लेकिन सजग विपक्ष ने जनता को इन बातों को साक्ष्य के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता हम लोगों से दो कदम आगे है। वह भी देखती है कि ट्रक कहाँ लगता है, कहाँ पर कहाँ से दारू उतरता है और कहाँ चला जाता है, इस बात पर नज़र जनता की नहीं है। जब यही करना था तो नियंत्रित करने का उपाय करना था और दारू जो जो जिस तरह से रोका गया लगा कि महात्मा गांधी ने का मतलब के बन करा है, लेकिन देख के तो लग रहा है जो आज की व्यवस्था उसको देख के लग रहा है कि मैंने सबसे बड़े जो मतलब उसको मैं कह सकता हूँ कि चोरी और डकैती का रास्ता जो निकालता है उस तरह से रास्ता निकाला गया कि कैसे इस पर डाका डाला जाए जनता के पैसे। तो बिहार की स्थिति बदहाल है, उसको बेहतर बनाने की दिशा में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और बिहार की आवाम हमसे पहले एकजुट है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और जनता की समस्याओं का पूरा पूरा उसको एड्रेस करेगी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से महा जनता महा मतदाता मालिकों से हम अपील करेंगे कि इतने दिनों की मैं भी एक मानव हूँ और मुझसे भूल हो सकती है, यदि हमसे कोई भूल हुई हो इतने दिनों में जाने अनजाने में तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर बिहार और एक विकसित बिहार के लिए मतलब हमको वोट देने के साथ साथ मतलब इसके माध्यम से आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं ताकि तेजस्वी भी बिहार के विकास के संबंध में हम लोग साथ मिलकर बिहार के विकास और तरक्की का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आलोक मेहता जी जो आज इनका नॉमिनेशन हुआ है, अब देखना होगा कि इनका मेहनत अब आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज समस्तीपुर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे SBN न्यूज।